हेलो दोस्तों, एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है डैप हिंदी गेमिंग में। और आज ये बहुत ही दिनों बाद मैं कोई ट्यूटोरियल वीडियो बना रहा हूँ। तो इस वीडियो में, जैसा कि आपको टाइटल से पता लग ही गया होगा, मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे graphic.h लाइब्रेरी सेट कर सकते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में। पर उससे पहले एक ज़रूरी बात, अगर आप किसी कॉलेज में, और आपके कॉलेज में आप कोई कंप्यूटर रिलेटेड डिग्री कर रहे हैं जिसमें आपके कोई कंप्यूटर ग्राफिक का कोर्स है, तो आपको मैंडेटरी होता है कि graphic.h लाइब्रेरी यूज़ करके ही आपको प्रोग्रामिंग करनी है। जनरली उसके लिए टर्बोसी वगैरह यूज़ किया जाता है। तो मैं बताऊंगा आपको कि विजुअल स्टूडियो कोड में आप कैसे सेट कर सकते हैं उसको। पर एक वार्निंग ये होगी कि आप graphic.h लाइब्रेरी का यूज़ ना करें। ये बहुत ही पुरानी लाइब्रेरी है, लगभग 30 साल से भी ज़्यादा पुरानी ये लाइब्रेरी है। तो अगर आप हो सके तो कुछ लेटेस्ट यूज़ करने की कोशिश करें, अगर आपके कॉलेज में या ऐसी छूट दी जाती है, या फिर अगर आप इन जनरल कंप्यूटर ग्राफिक्स सीखना चाहते हैं तो आप बेटर फ्रेमवर्क का यूज़ कर सकते हैं। लाइब्रेरी जो अवेलेबल है, कुछ लाइब्रेरीज के नाम मैं आपको बता देता हूँ, जैसे OpenGL, DirectX या फिर HDL, SFML, ये सब आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि इससे काफ़ी ज़्यादा बेटर परफॉर्म करेंगी, क्योंकि graphic.h का सपोर्ट बहुत पहले ही ख़त्म हो चुका है। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए सीधे हम चलते हैं कि हम कैसे इसे सेट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको चार चीज़ें डाउनलोड करनी पड़ेगी, मैं आपको शुरू से बताऊंगा कैसे कैसे आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको डाउनलोड करना पड़ेगा MinGW मिनिमलिस्टिक GNU फॉर विंडोज़। तो बेसिकली ये हमारा कंपाइलर डाउनलोड करने के लिए यूज़ होगा, जिससे हम अपना C++ का या C का कोड कंपाइल करेंगे। तो आप सीधा यहाँ ग्रीन बटन से इस पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है ये, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक ये 5-6 सेकंड का आपको वेट कराएगा, देन उसके बाद ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा। तो ये डाउनलोड करने के बाद आपको डाउनलोड करना होगा विजुअल स्टूडियो कोड। तो विजुअल स्टूडियो कोड आप कोई सा भी वर्जन कर सकते हैं, या तो आप विंडोज़ का कर सकते हैं, या मैक का, जो भी आपको प्लेटफॉर्म हो, या फिर आप एक पोर्टेबल वर्जन भी कर सकते हैं आप अगर चाहें तो। तो विजुअल स्टूडियो डाउनलोड करने के बाद आप इसे नॉर्मली किसी भी सेटअप की तरह इंस्टॉल कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। इसमें कोई भी ऐसी कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है जो मुझे आपको बतानी पड़े, आप किसी भी सेटअप की तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और बात बचती है MinGW की, MinGW हमें इंस्टॉल करने से पहले, ये जो हमने सेटअप डाउनलोड करा है, इसे इंस्टॉल करने से पहले दो चीज़ आपको और डाउनलोड कर लेनी चाहिए। ये एक GitHub की रिपोजिटरी है, ये यूज़र नेम है इनके जो ऑथर हैं उनका। तो ये रिपोजिटरी आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी, दो हैं ये, तो इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं सीधा यहाँ कोड पर क्लिक करके एंड डाउनलोड zip। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इन चारों क्या कहते हैं जो चीज़ें आपको डाउनलोड करनी है, इन सब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आपको पहले यहाँ पर कोड पर क्लिक करना है, देन डाउनलोड zip पे। अगर आपके पास GitHub डेस्कटॉप पहले से इंस्टॉल्ड है, आप डेवलपमेंट करते हैं, तो आपके लिए बहुत ईजी बात होगी, आप सीधा इसे GitHub डेस्कटॉप से खोल सकते हैं, या फिर इस लिंक को कॉपी करके GitHub के बैश से भी आप इसे क्लोन कर सकते हैं। उसी तरीके से आपको दूसरी रिपोजिटरी पे भी कोड पर क्लिक करना है, डाउनलोड zip कर देना है। तो जब आप ये चारों चीज़ें डाउनलोड कर लेंगे तो उसके बाद आपको अपने फोल्डर में जाना है जहाँ पे भी आपने डाउनलोड किया। मैंने विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड करके आपको इंस्टॉल करके नहीं दिखाया, क्योंकि आप उसे नॉर्मली किसी सेटअप की तरह इंस्टॉल कर सकते हैं, और प्लस उसका साइज 100 MB के अराउंड है, 100 या 70 MB। तो मैं उतना डाउनलोड करना नहीं चाहता, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी उसके लिए। तो आप उसे नॉर्मली किसी सेटअप की तरह इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद आपको MinGW इंस्टॉल करना है, ये बेसिकली हमारा C++ का कंपाइलर डाउनलोड करने के लिए विंडोज़ में यूज़ होता है। तो ये आप इसे सेटअप को खोलेंगे तो यहाँ आप केवल इंस्टॉल पर क्लिक करके नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाइए, अपने आप इंस्टॉल हो जाएगा। इसे इंस्टॉल करने के बाद आपको स्टार्ट मेन्यू में जाना है अपने, और टाइप करना है MinGW। तो MinGW टाइप करने के बाद आपको दिखेगा एक MinGW इंस्टॉलेशन मैनेजर, तो आप इस पर क्लिक करके इसे ओपन कर सकते हैं। ये बैकग्राउंड में चला गया, ये आपके सारे प्रोसेस लोड करेगा। तो इसमें आपको शुरू में इतनी सारी चीज़ें नहीं दिखेंगी, ये मैंने पहले से MinGW अपना डाउनलोड करके सेटअप कर रखा है, इसलिए मेरे को दिख रही हैं। तो इसमें आपको इतनी सारी चीज़ें ना करते हुए केवल MinGW G++ सेटअप करना है। आप चाहें तो माई सिस्टम बेस कर सकते हैं, और MinGW बेस भी कर सकते हैं। तो आप ये मार्क फॉर इंस्टॉलेशन एंड ये मार्क फॉर इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। अगर आप नहीं करना चाहते तो इससे भी आपका काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं इसे ही यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं अभी फिलहाल इन्हें अनमार्क कर देता हूँ। आपको इन तीनों को मार्क करके माई सिस्टम बेस, MinGW 32 GCC G++ बेस और MinGW 32 बेस, ये तीनों मार्क कर
इंस्टॉलेशन पे जाके अप्लाई चेंजेस कर देने। अप्लाई चेंजेस जैसे आप करेंगे तो आपसे पूछेगा क्या हमें सच में अप्लाई चेंजेस कर देने, तो आपको कर देना है हाँ मैं अप्लाई चेंजेस करना चाहता हूँ। उस पर आप क्लिक करेंगे तो ये एक लोडिंग होगी जो सारे MiniW का कंपाइलर आपके पीसी में इंस्टॉल करेगा। उसमें आपको थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि जनरली इसका इनका सर्वर थोड़ा स्लो होता है शायद, तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। तो जैसे ही आप ये डाउनलोड कर लेंगे, तो मैं अभी फ़िलहाल डिस्कार्ड कर देता हूँ चेंजेस, तो उसके बाद आपको जाना पड़ेगा सीधा दिस पीसी में। MiniW आपको इंस्टॉल करेगा सीधा लोकल डिस्क सी में जिसमें आपकी विंडोज़ होती है। आप जैसे सी के अंदर जाएंगे तो आपको MiniW का फोल्डर दिखेगा। ये जब भी आपको दिखेगा MiniW का फोल्डर, जब आप MiniW इंस्टॉलेशन मैनेजर को खोलकर आप इंस्टॉल कर चुके होंगे, इसके अंदर आप जाएंगे तो अब सबसे पहले हमें एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट करना पड़ेगा ताकि हमारा जो MiniW है वो हम कहीं से भी टर्मिनल से एक्सेस कर पाएं और हमें बार बार इसका पाथ ना देना पड़े। तो हम MiniW के फोल्डर में जाएंगे, लोकल डिस्क सी MiniW, और फिर हम जाएंगे बिन नाम के फोल्डर में। बिन नाम के फोल्डर में आपको कई सारी सेटअप की फाइल दिखेंगी कि घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, इनसे हमें अभी फ़िलहाल कोई लेना देना नहीं है। तो हम जाएंगे यहाँ पर एड्रेस बार में, इसे हम कर लेंगे कॉपी जो भी इसका पाथ है सी MiniW बिन। जनरली आपका यही पाथ होगा, तो आप मेक श्योर करें कि आप बिन के फोल्डर में है, केवल MiniW के फोल्डर में नहीं। इस पाथ को आप कॉपी कर लीजिए, आप राइट क्लिक करके कॉपी कर सकते हैं, कंट्रोल सी कर सकते हैं, यानी इसे मिनिमाइज करते हैं। और आप जो दिस पीसी का आपका आइकन है, या फिर आप इसे सेटिंग में भी जा सकते खोल सकते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज में जाइए। तो इसकी प्रॉपर्टीज में जाके हम सेटिंग में खुलेगी। पहले अगर आपके पास विंडोज 7 है या फिर दूसरी कोई विंडो है 11 के अलावा, तो ये पहले आपका एक अलग पैनल खुलता था, अब ये जनरली सेटिंग में ही खुलता है, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। दोनों में आपको एडवांस सिस्टम सेटिंग मिलेगा। जैसे कि अगर आप विंडो 11 में है तो आपको यहाँ पर एडवांस सिस्टम सेटिंग देखने को मिल रहा है, अगर आप विंडो 10 में या 7 में है तो आपको इधर दिखेगा जहाँ पर पर्सनलाइजेशन है, और आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक नया पैनल दिखेगा। ये आपका हर विंडो में सेम रहेगा, चाहे आपका 7 हो या 8 हो, कोई भी हो, उससे मैटर नहीं करता है। आप यहाँ पर एनवायरनमेंट वेरिएबल में जाइए। अगर आप एडमिन है पीसी के, तो आप सीधा यहाँ पर पाथ पर क्लिक कीजिए, सिस्टम वेरिएबल्स में यहाँ एडिट पर क्लिक कीजिए, एंड देन यहाँ पर आप जैसे आप देख सकते हैं मैंने MiniW बिन ऑलरेडी ऐड कर रखा है। आप यहाँ पर नए पर क्लिक करेंगे तो एक नया फील्ड बन जाएगा, देन उसमें आप अपना पाथ पेस्ट करके ओके कर सकते हैं। मैंने पहले ही कर रखा है तो मैं ऐसा नहीं करूँगा। और अगर आप एडमिन नहीं है बाय चांस, तो आप लोकल जो भी आप जिस भी अकाउंट से लॉगिन है उसके लिए पाथ सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप पाथ क्लिक करेंगे, यहाँ एडिट करेंगे, तो यहाँ पर भी आप MiniW सेट कर सकते हैं। तो अगर आप लोकल यूज़र हैं तो आप लोकल में सेट कर लीजिए, अगर आप एडमिन हैं और चाहते हैं कि सब यूज़ कर सकें तो आप सिस्टम वेरिएबल में सेट कर लीजिए, किसी में भी सेट कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। उसके बाद आपको ओके कर देना है, मैं यहाँ कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी कर रखा है। उसके बाद हम सब कुछ कैंसिल कर देते हैं, तो अब हमारा MiniW हो चुका है इंस्टॉल, और आप MiniW चेक कर सकते हैं। आप स्टार्ट में जाइए, टाइप कीजिए CMD, उसके बाद आप CMD को ओपन कर लीजिए। आप इसे नॉर्मली ओपन कर सकते हैं, आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करें। उसके बाद आप GCC लिखिए एंड स्पेस देन डैश डैश देन वर्जन। इस कमांड से क्या होगा कि आपको दिखा देगा कि आपके PC में करंटली कौन सा वर्जन का GCC इंस्टॉल्ड है। तो आप मैं जैसे यहाँ एंटर करूँगा, ये मुझे बता देगा कि GCC हमारा इंस्टॉल्ड है 6.3.0। तो इससे हमें पता लग गया कि हम हाँ हमारा GCC इंस्टॉल्ड है बिना। अब हम सीधा GCC इंस्टॉल से graphic.h लाइब्रेरी पर काम नहीं कर सकते, वो सीधा डायरेक्टली सपोर्ट नहीं करता, इसके लिए हमें थोड़े चेंजेस करने पड़ेंगे। तो आप उसी फोल्डर में जाइए जहाँ पर आपने अपना सब कुछ तीनों फाइल डाउनलोड करी थी। आपको दो zip फाइल दिखेंगी जो हमने GitHub से डाउनलोड करी थी, आप इन्हें एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। तो मैं यहाँ इन्हें एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ फटाफट। तो ये दो फाइल एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको दो फोल्डर मिलेंगे, तो आपको जाना है इस फोल्डर में सॉल्यूशन टू graphic.h main, इस पर आप डबल क्लिक कीजिए, देन इसे खोलिए फोल्डर को। तो इसमें आपको कुछ फाइलें मिलेंगी, तो इसमें से केवल हमें तीन ही फाइल चाहिए, पहले graphic.h एंड winbgim.h। इन दोनों को सिलेक्ट कर सकते हैं आप कंट्रोल दबाकर, देन आप कर सकते हैं कंट्रोल सी या फिर राइट क्लिक कर आप इन्हें कॉपी कर सकते हैं। उसके बाद हमें जाना है लोकल डिस्क सी में, डिस्क पीसी लोकल डिस्क सी MiniW, एंड देन यहाँ पर आपको जाना है इंक्लूड के फोल्डर में। इंक्लूड के फोल्डर में सारी हेडर फाइल्स रहती हैं जो कि हमारा कंपाइलर यूज़ करेगा, तो इसमें आप राइट क्लिक करके यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी पेस्ट कर रखा है, तो ये कह रहा है कि आप रिप्लेस कर सकते हैं, पर मैं नहीं करूँगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी पेस्ट कर रखा है, आप यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। उसके बाद
हमारी एक और फाइल बचती है, ये लाइब्रेरी फाइल है libbgi.a। तो इसको हम कंट्रोल सी से कॉपी कर लेते हैं, ये सिंगल फाइल है, इसे कॉपी कर लेंगे आप। और उसके बाद आपको दोबारा जाना पड़ेगा उसी ही पाथ में, उस पाथ में नहीं, उससे थोड़ा अलग पाथ है, minjw के फोल्डर में आपको जाना पड़ेगा, लिब फोल्डर में। बेसिकली लाइब्रेरी, सारी लाइब्रेरी की फाइल्स हैं यहाँ पर, यहाँ पर आप राइट क्लिक करके पेस्ट कर सकते हैं। तो ये करने के बाद आपकी ग्राफिक लाइब्रेरी सेट हो चुकी है। अब जो भी हमारा काम बचता है वो बचता है केवल विजुअल स्टूडियो कोड का। तो आप विजुअल स्टूडियो कोड नॉर्मली किसी भी सेटअप की तरह इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इंस्टॉल कर रखा है। पर उससे पहले एक और ज़रूरी काम करना होगा हमें। तो हम जाते हैं जहाँ पर हमने डाउनलोड करी थी जो भी हमारी फाइलें थी। तो यहाँ पर हमने हमारी एक और फाइल है graphic.h प्रोजेक्ट टेम्पलेट मेन। तो ये बेसिकली ये एक टेम्पलेट प्रोजेक्ट है जो कि प्रोवाइड कराया है GitHub के उस ऑथर ने जिससे हमने ये डाउनलोड करी थी, जिसकी रिपोजिटरी से। तो इसके अंदर कुछ फाइल्स हैं और .vs कोड के फोल्डर में कुछ JSON फाइल हैं जिसमें कुछ सेटिंग्स हैं जो कि हमारे लिए जरूरी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे और इसको हम रीनेम कर लेते हैं फिलहाल। तो यहाँ पर आप रीनेम कर सकते हैं जो भी आपको रीनेम करना चाहे, जो भी आपके लिए आपको आसान लगे या याद रहे। तो हम इसे सीधा रीनेम कर सकते हैं, जैसे ग्राफिक या फिर कंप्यूटर ग्राफिक्स वर्कस्पेस। आप एक्चुअली स्पेस करेंगे लगे तो स्पेस नहीं है, वो स्पेस है। तो हम एंटर कर देंगे। तो ये हमारे जो भी लाइब्रेरी का जो भी आपको इजी नाम रखे वो आप यहाँ पर रख लीजिए। आप चाहें तो यहाँ पर सीधा इसे विजुअल स्टूडियो कोड में खोल सकते हैं इस फोल्डर को, या फिर मैं रेकमेंड करूँगा कि आप यहाँ से इसे कॉपी कीजिए कंट्रोल सी दबाकर या फिर राइट क्लिक करके, डॉक्यूमेंट के फोल्डर में जाइए। यहाँ पर एक वीएस कोड का आप फोल्डर बना लीजिए, अगर आपका पहले से नहीं बना हुआ है तो वीएस कोड के फोल्डर में आप जाइए, C++ के फोल्डर में अगर आपके पास है तो पहले से बना हुआ, वरना आप बना लीजिए C++ ग्राफिक जैसे मैंने बना रखा है। और यहाँ पर मैंने वही फाइलें सेव कर रखी है जो मैंने अभी कॉपी करी है। तो हमें राइट क्लिक करके पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट करने के बाद आपको वही फाइलें दिखेंगी, home.vscode और ये वर्कस्पेस फाइल। अभी इस पर आप ध्यान मत दीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ एक और बार। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें .vscode की फाइल है, इसके अंदर दो फाइल है और होम के अंदर सोर्स और बिल्ड फोल्डर है। तो वैसे ही .vscode के अंदर हमारी तीन फाइल है, आप जब भी इसे vscode में खोलेंगे तो एक फाइल और बन जाएगी और होम में आपके दो फोल्डर हैं। तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है, अब आपको इन दोनों फोल्डरों को बंद कर देना है और अब आपको सीधा खोलना है विजुअल स्टूडियो कोड। तो विजुअल स्टूडियो कोड आप खोल लीजिए। तो जैसे ही आप यहाँ पर विजुअल स्टूडियो कोड खोलेंगे तो आपको ऐसी विंडो दिखेगी, अगर आप पहली बार खोल रहे हैं तो वो कुछ चीज़ें भी आपसे पूछेगा, तो आप पर आपको उन पर ध्यान नहीं देना है, आप सीधा यहाँ पर फाइल पर क्लिक कीजिए। पर एक मिनट, उससे फाइल से पहले आप क्लिक करने से पहले यहाँ पर जाइए एक्सटेंशन में। अगर आप पहली बार विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल कर रहे हैं तो मैं आपको C++ की प्रोग्रामिंग करने के लिए एक्सटेंशन में से ये C++ का एक्सटेंशन करना पड़ेगा डाउनलोड। तो यहाँ पर इंस्टॉल का बटन आएगा, आप सीधा इस पर क्लिक करके इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। और दो एक्सटेंशन मैं आपको और बताता हूँ। सबसे पहले आपको एक्सटेंशन करनी है कोड रनर। तो कोड रनर एक एक्सटेंशन है जिससे आप कई सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजों की फाइल डायरेक्टली यहाँ पर क्लिक करके रन कर सकते हैं। तो आप इसे भी इंस्टॉल कर लीजिए, बहुत ही छोटा सा है, ये तुरंत इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद आपको एक और एक्सटेंशन करना पड़ेगा जिसका नाम है exe रनर। exe रनर एक एक्सटेंशन है जो हमें अलाउ करता है कि हम विजुअल स्टूडियो कोड से ही ये एग्जीक्यूटेबल फाइल को एग्जीक्यूट कर सकें। तो exe रनर आपको सर्च करना है और यहाँ पर exe रनर को भी आपको इंस्टॉल कर लेना है। ये भी बहुत छोटा सा एक्सटेंशन है, तो आपका ये बहुत ही जल्दी इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद आपको जाना है सेटिंग्स में, देन सेटिंग के गियर आइकन के बाद सेटिंग्स में। तो आपका सेटिंग का पैनल खुल जाएगा, यहाँ पर आपको एक्सटेंशंस को कोलैप्स करना है एंड देन उसके बाद में जाना है आपको रन कोड कॉन्फ़िगरेशन के बाद जाने के बाद आप यहाँ पर नीचे जाइए और यहाँ पर आपको ढूंढना पड़ेगा रन इन टर्मिनल। तो इससे क्या होगा, आपका जो कोई भी कोड चलेगा वो टर्मिनल में चलेगा, इंस्टेड की आउटपुट विंडो में। टर्मिनल में चलाने के कोड को फायदे हैं, जैसे कि आप उसमें इनपुट डाल पाएंगे, वरना आउटपुट विंडो में आप इनपुट नहीं डाल पाएंगे। तो रन इन टर्मिनल कर लीजिए, बेसिकली ये आपको करके ही रखना चाहिए क्योंकि ये फायदेमंद होता है। उसके बाद हम सेटिंग विंडो को कर देते हैं बंद और एक्सटेंशन टैब को भी कर देते हैं बंद और चले जाते हैं मेन फोल्डर में। तो यहाँ पर आपको फाइल पर क्लिक करना है जो कि हम करने वाले थे, देन ओपन फोल्डर करने के बाद आपको जाना है वहाँ पर जहाँ पर आपने अपनी ग्राफिक लाइब्रेरी का सेटअप
रखा था जैसे डॉक्यूमेंट में, VS कोड, C++ ग्राफिक एंड देन जो भी हमारा ये फोल्डर है। तो जैसे यहाँ पर आप इसे सीधा सिलेक्ट फोल्डर करके ओपन कर सकते हैं, मैंने ऑलरेडी ही ये कर रखा है तो मैं यहाँ से सीधा अपना ओपन कर सकता हूँ, जैसे कि ये देखिए। तो जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपको ऐसा इधर पैनल मिलेगा, इसे आप सॉल्यूशन एक्सप्लोरर कह सकते हैं क्योंकि विजुअल स्टूडियो कम्युनिटी वर्जन में इसे सॉल्यूशन एक्सप्लोरर कहते हैं, इसमें मुझे नहीं पता इसे क्या कहते हैं, वर्कस्पेस कह सकते हैं शायद इसे। तो ऐसा आपको मिलेगा, C++ ग्राफिक ये मैंने नाम डाला था। इसके अंदर आपको देखेगी एक .vs कोड फाइल, एक होम फोल्डर जिसके अंदर बिल्ड और सोर्स नाम के दो फोल्डर है। तो यहाँ पर आपको .vs कोड में कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है, ये विजुअल स्टूडियो कोड अपने आप ही देख लेगा इसे क्या करना है। .vs कोड को छेड़खानी ना करें, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, क्योंकि आप फिर आपका कोड कंपाइल नहीं हो पाएगा अगर आप इसमें कोई छेड़खानी करते हैं। तो उसके बाद होम फोल्डर को आप एक्सपेंड कीजिए, इसके अंदर दो फोल्डर है बिल्ड एंड सोर्स। तो हमें सोर्स फोल्डर खोलना है, इसके अंदर आपको एक example.cpp मिलेगा। example.cpp में आपका एक कोड है जो बेसिकली एक बहुत ही सिंपल ग्राफिक कोड है, ग्राफिक प्रोग्राम कंप्यूटर ग्राफिक्स का टेस्ट करने के लिए कि हमारी ये चीज़ें काम कर रही हैं या नहीं। उसके बाद आपको एक बिल्ड का फोल्डर है, उसमें example.exe मिलेगा। जब आप इस फाइल को कंपाइल करेंगे cpp वाली को तो आपको exe फाइल मिलती है। तो मैं चलिए इसे डिलीट कर देता हूँ आपको दिखाने के लिए फिलहाल। तो मैंने इसे डिलीट कर दिया, जैसा कि आप देख सकते हैं ये फोल्डर फाइल डिलीट हो चुकी है। source.exe में जाएंगे तो आप ये कोई एडिटर में खुला हुआ मिलेगा इधर, देन आप दबाइए कंट्रोल शिफ्ट एंड देन बी। मैं आपको जब वीडियो एडिट करूंगा तो ये आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा, कंट्रोल शिफ्ट एंड बी। तो आप जब कंट्रोल शिफ्ट बी करेंगे तो ये देखिए ये अपना बिल्ड शुरू करेगा। ये बिल्ड में कई सारी ग्राफिक लाइब्रेरी ऐड कर रहा है जो कि आप नॉर्मली कोड रनर से रन करेंगे तो नहीं होंगी। जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पे लिखा रहा है बिल्ड फिनिश्ड सक्सेसफुली। तो ये बिल्ड एक्चुअली यहाँ कहाँ से बिल्ड हो रहा है, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ example.exe आ चुका है दोबारा बिल्ड होके। तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर आपका cpp प्रॉपर्टीज़ ये हमको बताता है कि कहाँ पर हमारा कंपाइलर वगैरह है। एंड देन उसके बाद task.json में यहाँ पर ग्राफिक लाइब्रेरी इंक्लूड की जाती है। तो आप इसे छेड़खानी ना करें वरना ये ख़राब हो सकती है और फिर आपको दोबारा से कॉपी करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको जाना है example.exe में। तो आप देखेंगे कि ये कह रहा है कि आप सीधा ओपन नहीं कर सकते इसे, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, राइट क्लिक करना है। हमने exe रन करा था, अब वो उसका काम होगा। तो रन एग्जीक्यूटेबल का आपको सेकंड ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो जैसा कि आप देख सकते हैं सर्कल बन चुका है। तो आप देख सकते हैं कि आराम से graphic.h हम यूज़ कर रहे हैं, जैसा कि आप इस कोड में देख सकते हैं graphic.h यूज़ हो रहा है यहाँ पर। तो ऐसे करके आप graphic.h का यूज़ कर सकते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में। तो थैंक यू दोस्तों आप सभी का वीडियो देखने के लिए। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो कि ग्राफिकल प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं और उन्हें विजुअल स्टूडियो कोड में इसे सेटअप करने में दिक्कत आ रही है। तो लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करें और मैं मिलूंगा आपसे अगली बार। तब तक के लिए फिर से बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।